हेलो माय डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल में। बच्चों, कक्षा सातवीं का जो वार्षिक मूल्यांकन का वर्कशीट है 2021-22, उसका अंग्रेजी विषय का पेपर का यहाँ पे मैं सॉल्यूशन लेके आया हूँ और आपको इनको बहुत अच्छे से तैयार कर लेना है, पढ़ लेना है। बहुत सारे यूट्यूब चैनल में ये पेपर वायरल हो रहा है कि ये ऐसे टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं, तो उसी का सॉल्यूशन यहाँ पर मैंने आपके समक्ष प्रस्तुत किया हुआ है। तो देख लेते हैं पूरा, ये शुरुआत की जानकारी जो है बच्चों, ये तो आपसे बन ही जाएगी। विद्यार्थी का नाम क्या लिखना, पिता का नाम, कक्षा साला का नाम, ये तो सब बन ही जाएगा, आप देख रहे होंगे, आपने पिछले पेपर दिए होंगे। एक चीज और कहना चाहता हूं, हमारे चैनल पे आपको सॉल्यूशंस प्रोवाइड कराए जाते हैं, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसको बहुत अच्छे से देख लें, क्योंकि यहां पे आपको सही और सटीक उत्तर उपलब्ध कराए जाते हैं। तो देखें आप, सबसे पहले यहाँ प्रश्न है, जैसे सेक्शन ए है, इसमें क्या है, एक पैसेज दिया हुआ है, इस पैसेज को आपको पढ़ना है और इसके बाद इसके आंसर्स को आपको देना है। तो जैसे ये लिखा हुआ है, द ओलंपिक गेम्स आर हेल्ड आफ्टर एवरी 4 ईयर्स, मतलब कि जो ओलंपिक खेल होते हैं वो आयोजित किए जाते हैं कब, प्रत्येक 4 साल में, हर 4 साल में एक बार आयोजित किए जाते हैं। एथलीट्स कम फ्रॉम ऑल कंट्रीज एंड टेक पार्ट इन द गेम्स, जो धावक होते हैं, जो खिलाड़ी होते हैं, वो कहाँ से आते हैं, सभी देशों से, ऑल कंट्रीज एंड टेक पार्ट इन द गेम्स, और इस खेल में हिस्सा लेते हैं। बच्चों, इस तरीके से आपको इसको पूरा पढ़ना है, देखना है, सुनना है, समझना है। कुछ ना बने तो आपको छोटे छोटे शब्द को फाइंड करना है। जैसे यहाँ देखिए, ऑल कंट्रीज क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि आप इसके प्रश्नों के उत्तर देखेंगे। आप ये देखिए, जैसे इसमें पहला प्रश्न आया है, क्या लिखा हुआ है, एथलीट हु टेक पार्ट इन द ओलंपिक्स कम फ्रॉम, कहाँ से आते हैं, तो अभी हमने आपको पढ़ के बताया था, कहाँ से आते हैं बच्चों, ऑल कंट्रीज से। ये देखिए, ऑल कंट्रीज से, तो आप टेंशन मत लीजिए। सबसे पहले तो आप ये प्रश्न देख लीजिए, इस टाइप से प्रश्न आएंगे, इसका पहले का उत्तर लिखना है आपको, बी ऑल कंट्रीज। फिर दूसरा वाला आया जो ओलंपिक गेम्स आर हेल्ड, तो देखें आपका समय ना खराब करते हुए डायरेक्ट मैं आप लोगों को उत्तर तक पहुँचा रहा हूँ। देखें आप लोग, निशान लगा लें आप लोग, पहला वाला जो है आपका, इसका बी, बी वाले का आएगा ऑल कंट्रीज, आपको इस तरीके से यहाँ बी डाल करके लिख देना है, ऑल कंट्रीज। फिर सेकंड वाला है, ओलंपिक गेम्स आर हेल्ड कहाँ पे हो जाते हैं, कब आयोजित किए जाते हैं, वंस इन 4 ईयर, मतलब कि हर 4 साल में एक बार, तो इस पर सी वाला डाल के यहाँ लिख के आपको लिख देना है, वंस इन 4 ईयर्स, पूरा लिखना है आपको, 4 ईयर्स, इस तरीके से, ठीक है। फिर तीसरा वाला है, तीसरा वाला क्या है, वी इन इंडिया आर प्राउड ऑफ अवर, किस चीज़ पे हम भारतीय गर्व करते हैं, अपनी हॉकी पे, तो सी, सी वाला डाल के हॉकी लिख देना है। फोर्थ वाला देखें, इंडियन आर एमोंग द बेस्ट प्लेयर्स, देश किस में है, स्किलफुल वाला, ए वाला ऑप्शन लगा लें। चौथे का ए, स्किलफुल, एस के आई एल एफ यू एल, ये लिख देना है, ए वाला ऑप्शन। पांचवा है, ये बोल रहे हैं इंडिया लॉस्ट चैंपियनशिप इन हॉकी फॉर द फर्स्ट टाइम, कब हारी थी, तो ये हारी थी 1960 में, तो ये बी वाला डाल के इन 1960 आपको लिख देना है, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोगों का ये कवर हो गया। अब बारी आती है हमारे अगले प्रश्न की, तो अगला प्रश्न देखें आप लोग, ये रहा, ये आपको, ये एक एडवर्टाइजमेंट था, इसको आपको पढ़ना है बहुत अच्छे से और इसके आंसर्स को देना है। कुछ यूट्यूब में मैंने देखा, उन्होंने गलत जानकारी आपको दी है, गलत उत्तर बताए हैं बच्चों, तो सही उत्तर देख के आपको सही उत्तर लिखने हैं, ठीक है। तो इसका प्रश्न का जो उत्तर है वो भी मैं आप लोगों को यहाँ पे बता दे रहा हूँ, एक मिनट, ये देख लीजिए, ये आएगा क्वेश्चन नंबर 6 हमारा। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, वॉट इज दिस एडवर्टाइजमेंट अबाउट, एक मिनट, ये देख लें आप लोग, अच्छे से नोट कर लें इसको बच्चों, ये है लिखा हुआ है, व्हाट इज दिस एडवर्टाइजमेंट अबाउट, इसका आंसर होगा बच्चों सी वाला, ये लगा लें आप लोग, इट इज अबाउट अ चिल्ड्रन मैगजीन, क्या है ये, किसके बारे में दिया हुआ है, चिल्ड्रन मैगजीन जो है उसके बारे में, ठीक है, तो आपको सी लिख करके लिख देना है। सातवां वाला है, देयर आर सम पेजेस इन फिरकी एक्सक्लूसिवली फॉर, क्या है, किसके बारे में है, आर्टिकल्स, तो बी डाल के आपको आर्टिकल्स लिख देना है। फिर बारी आई क्वेश्चन नंबर 8 की, तो 8 वाले का डी लगा लें आप, बाय गेटिंग एन आर्टिकल्स पब्लिश्ड इन फिरकी, ठीक है, ये बोल रहे हैं किसको गिफ्ट मिलेगा, तो फिरकी किसको देगी, जिसका आर्टिकल पब्लिश किया जाएगा। फिर नौवा नंबर है, आर्टिकल्स रिटन बाय चिल्ड्रन गेट पब्लिश्ड ऑन माय पेज, तो इसमें बोल रहे हैं कि ये जो आंसर है इसका प्रश्न क्या बनेगा, तो यहाँ प्रश्न पूछा जाएगा व्हाट इज पब्लिश्ड ऑन माय पेज, तो क्या पब्लिश किया जाएगा, तो वो पब्लिश किया जाएगा जो आर्टिकल लिखा जाएगा। अब यहाँ कुछ यूट्यूब चैनल वालों ने आपको गलत आंसर दिया हुआ है, इसलिए आप लोग समझ के सही ढंग से लिखें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम सही आंसर दे रहे हैं आप लोगों को, प्लीज़। तो नौवे का आप लोग बी लगा लें, यहाँ निशान लगाने की आवश्यकता नहीं, डायरेक्ट उत्तर लिख सकते हैं। दसवा है,
चूज द अपोजिट, तो यह रिसीव, रिसीव जो है यह होगा सेंड का अपोजिट, सेंड मतलब होता है भेजना और भेजने का होगा लेना, लेना मतलब रिसीव, ठीक है, मैसेज में आपने देखा होगा। अब बारी आती है बच्चों क्वेश्चन नंबर 11वें की, तो ये लिखा है वेयर आर द क्लाउड्स सीन इन द स्काई, तो क्लाउड्स जनरली फॉर्म विद इन WITHIN विद इन THE द ट्रोपोस्फेयर, मतलब TROPOSPHERE, बच्चों अंग्रेजी में स्पेलिंग का विशेष ध्यान रखें, बहुत अच्छे से स्पेलिंग को आपको लिखना है समझ समझ करके, OR और THE द LAYER लेयर OF ऑफ एटमोसफेयर ATMOSPHERE एटमोसफेयर क्लोजेट CLOSET TO2 द अर्थ, ठीक है, ये हो गया 11वें का उत्तर। 12वें का देखें, वाई वॉज विनोद सरप्राइज्ड, तो इसका आंसर देख लें ही वॉज सरप्राइज्ड, सरप्राइज्ड की स्पेलिंग आपसे ना बने तो यहाँ ऊपर लिखी वहाँ से देख कर लिख लीजिएगा, टू सी एन अनयूजुअली लार्ज क्राउड, अनयूजुअली की स्पेलिंग देख लें UNUSUALLY लार्ज LARGE लार्ज क्राउड CROWD ऑन द प्लेटफॉर्म PLATFORM प्लेटफॉर्म, ओके ये हो गया 12वें को। 13वां देख लें, हाउ डिड द ओल्ड मैन नो डेट द कैमल वॉज ब्लाइंड, तो इसका आंसर आप लोग देख लें, द ओल्ड मैन न्यू, यहाँ पे न्यू आ गया, डेट द कैमल CAMEL वॉज ब्लाइंड, ब्लाइंड की स्पेलिंग ये लिखी है, इन द माफ करना बच्चों लाइट चली गई थी, तो देखें क्वेश्चन नंबर 13वें का आंसर देख लें, द ओल्ड मैन न्यू डैट द कैमल वॉज ब्लाइंड इन द लेफ्ट आई बिकॉज, स्पेलिंग आप मिलाते जाइएगा BECAUSE बिकॉज इट हैड ईटन द लीव ऑफ बुशेस ऑन ओनली वन साइड ऑफ द रोड, पूरा लिखा हुआ है बहुत अच्छे से आप लोग इनको देख लें और इसको तैयार कर लीजिएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं, देखें ये है अगला प्रश्न, वेयर डिड द ओलंपिक गेम्स गेट देयर नेम फ्रॉम, कहाँ से पढ़ा, तो देखें इसका पूरा आंसर ये लिखा हुआ है THE द ओलंपिक गेम्स फेस्टिवल वॉज फॉर द फर्स्ट टाइम हेल्ड इन, ये पूरा आप मिला लें, ग्रीस GREECE एट ओलंपिया OLYMPIA सो दिस स्पोर्ट्स फेस्टिवल गॉट इट्स नेम फ्रॉम FROM, अच्छे से देख लें, फ्रॉम द प्लेस ओलंपिया, ठीक है बच्चों ये होगा 14 क्वेश्चन के आंसर। 15वां देख लें, व्हेन एंड वेयर वाज मनु बॉर्न, तो इसका आंसर है मनु वाज बॉर्न ऑन 19 नवंबर 1835 इन काशी, ये पूरा उत्तर लिखा है देख लें 15वें का। 16वें का देख लें, व्हाट गोज फ्रॉम हैंड टू हैंड, तो ये लिखा है इसका आंसर नट्स NUTS नट्स एंड स्वीट मीट्स, ठीक है पूरा इकट्ठा लिखना है, स्वीट मीट्स पास फ्रॉम हैंड टू हैंड, ओके ये हो गया इसके 16वें का आंसर। 17वें का देख लें आप लोग, Why do they want to go to धौलपुर, बच्चों बहुत अच्छे से आपको इनको देख लेना है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें आप लोग, क्योंकि सारे प्रश्नों के उत्तर हमारे यहाँ पे मिल जाएंगे आपको। देखें they want to go to धौलपुर, वो धौलपुर क्यों जाना चाहते थे बच्चों, वहाँ का मेला अटेंड करने, because they want to see धौलपुर फेयर, बस इतना ही है, they want to see धौलपुर फेयर, फेयर मतलब वहाँ का मेला, क्योंकि मेले में बहुत सारे आकर्षण थे, इसके आगे भी बहुत कुछ लिख सकते थे पर इतना भी लिख दोगे क्योंकि मेले में सारा जो आनंद है वो कंक्लूजन यहाँ पे मिल जाएगा, तो यहाँ पे इतना लिख के इस आंसर को फिनिश कर सकते हैं। 18वां है, थोड़ा सा ये गलत हो गया था मेरे यहाँ, 18वां था व्हाई डिड विनोद डिसाइडेड टू ट्रेवल बाय एन एसी कोच, एसी कोच में जाने का निर्णय क्यों लिया था विनोद ने, क्यों लिया था, तो कुछ YouTube वालों ने डाल दिया है ही हैड अ लॉट ऑफ मनी, मैंने भी देखा तो इस प्रश्न का आंसर में पहला ऑप्शन यही था मगर वो एक्चुअल में गलत ऑप्शन था, इसका उत्तर ये है बिकॉज लिखना है आपको, बिकॉज BECAUSE बिकॉज द ट्रेन वॉज ओवर क्राउडेड OVERCROWDED ओवर क्राउडेड मतलब ट्रेन जो थी जो जनरल डिब्बे थे ट्रेन के वो भरे हुए थे इसलिए उसने एसी कोच में जाने का निर्णय लिया। 19वां देख लें आप लोग,
लिखा हुआ है, व्हाट कॉज बॉबी टू स्लो डाउन द मिडल ऑफ द रेस। मतलब जो बॉबी रहा वो दौड़ रहा था, तो बीच में उसने अपनी रफ्तार धीमी क्यों कर ली थी? तो धीमी इसलिए कर ली थी उसने रफ्तार क्योंकि उसके रास्ते में एक बतख और उसका बच्चा आ गया था। ठीक है, तो ये लिखा है अ डक एंड हर डकलिंग्स, DUKLINGS, डकलिंग्स स्वॉर्म, SWARM, अक्रॉस ACROSSTH, द वाटरवे WATERWAY, वाटरवे, देयर फॉर TERFORE, देयर फॉर बॉबी हैड टू स्लो डाउन इन द मिडल ऑफ द रेस। ये पूरा लिखा है बॉबी हैड टू स्लो डाउन इन द मिडल ऑफ द रेस। ठीक है, ये हो गया 19वें का उत्तर। 20वां देख लें, व्हाई डिड चिल्ड्रन डिसाइडेड टू स्टे टुगेदर। बच्चों ने साथ में रहने का निर्णय क्यों लिया? इसलिए लिया ताकि वो खो ना जाए। तो ये लिखा है, आप इतना भी लिख सकते हो, ये पूरा आप लिख देना, द चिल्ड्रन डिसाइडेड टू स्टे टुगेदर सो डैट दे आर नॉट लॉस्ट इन द क्राउड। ठीक है, दे आर नॉट लॉस्ट इन द क्राउड, पूरा आपने लिख लें। ये हो गए हमारे 20 क्वेश्चन तक के आंसर। इसके बाद का जो आंसर है बच्चों, वो अगले वीडियो में आप लोगों को उपलब्ध करा दूंगा, बहुत जल्द आपको दे दूंगा। इसी के बाद जो वीडियो है उसमें आप लोग देख लीजिएगा।